अस्सलाम वालेकुम भाई। बेसिकली हमारा बना था एक आउटिंग का प्लान, तो हमने ये सोचा कि आउटिंग के प्लान के लिए कहीं और क्यों जाएं। करीब ही पहलवान गोट पे खैरुल्ला अजीज़ भाई हैं, उनकी एक बहुत ज़बरदस्त बिरयानी की का होटल है अलमदीना बिरयानी के नाम से, तो हमने सोचा वहाँ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है। इस बिरयानी सेंटर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सफाई का बहुत ख़ास इंतज़ाम किया गया है, और ये इस जगह पर अभी थोड़ी बहुत रेनोवेशन बाकी है। हाँ जी, यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है भैया। भैया यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, और मैं आपको बता दी चलूँ कि हम खैरुल्ला अजीज़ भाई जो हैं उनके रेस्टोरेंट आए हुए हैं अलमदीना पकवान के नाम से जो है, और यहाँ पे मुझे एक चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे फैमिली हॉल अलग है। ठीक है, फैमिली हॉल जो है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, सिर्फ खवातीन भी आ सकती हैं, बापरदा खवातीन भी आ सकती हैं, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा है तो आप यहाँ पे आके इजीली आप यहाँ पे डिनर या लंच एंजॉय कर सकते हैं। और ये जैसे कि मैं खड़ी हुई है पार्टी एरिया, तो अगर कोई आपकी फैमिली गैदरिंग है, फैमिली पार्टी है, तो यार ये बहुत आइडियल जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। आप यहाँ पे आएँ, फूड इंजॉय करें, जगह इंजॉय करें, और क्या चाहिए। यहाँ पर बिरयानी और पुलाव जो है, चिकन पुलाव भी है और बीफ पुलाव भी है, तो इन सब के रेट्स जो हैं वो बहुत ही नॉर्मल हैं मेरे नज़दीक, तो वो भाई बेहतरीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस लोकेशन पे इनकी क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से इन जो है वो तमाम ही बिरयानी और पुलाव दोनों ही बहुत जल्दी जो है वो सेल आउट हो जाते हैं, तो ये एक बहुत ही मज़े की बात है। मुझे तो यहाँ पर जो है वो सफाई का इंतज़ाम देखकर और बिरयानी और पुलाव देखकर बड़ा ही मज़ा आ रहा था। लेकिन बिरयानी के नस्बत इस दफ़ा हमने यहाँ पर ट्राई किया बीफ पुलाव को। अमूमन जब ऐसे होटल जाते हैं तो आप बिरयानी ट्राई करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर, हमें खैरुल्ला अजीज़ भाई ने रिकमेंड किया कि आप लोग यहाँ पे बीफ पुलाव ट्राई करें, तो हमने बीफ पुलाव ट्राई किया। सबके लिए थी, हिना को लास्ट ईयर दावत मिली थी, इस साल आप सबको दावत मिली थी, इसलिए आप। तो भाई ओवरऑल हमने बहुत इन्जॉय किया, मैं और हिना जो है हमारी बॉन्डिंग प्रोफेशनली भी है और नॉन प्रोफेशनली भी है। तो हम दोनों जो है हमारी एक गेट टुगेदर थी, खैरुल्ला अजीज़ भाई ने उसको सोने पर सुहागा वाली मिसाल कर दी, और हमने जो है आज खैरुल्ला अजीज़ भाई के साथ मिलकर उनके रेस्टोरेंट में आके बहुत इन्जॉय किया, और मेरा ख्याल आप लोगों ने भी इन्जॉय किया। फूड का बताइए, फूड कैसा आपको लगे? भाई यहाँ पे बहुत कम रेस्टोरेंट जो है वो इस तरीके से बीफ पुलाव, बीफ बिरयानी जो है वो ऑफर कर रहे हैं, और खैरुल्ला अजीज़ भाई के रेस्टोरेंट पे आने का एक मकसद ये भी था कि यहाँ पर बीफ पुलाव जो है वो ऑफ़र किया, और नो डाउट
मेरा नहीं ख्याल कि इतना जो है साफ़ सुथरा और इतना अच्छा, मसाले बिल्कुल नॉर्मल थे, हर चीज़ बहुत ही नॉर्मल कि आप कम मसाला खाने वाले या ज़्यादा मसाला खाने वाले दोनों ही वहाँ पे आके खा सकते, तो वो चीज़ बहुत ही कोई आइडियल थी मेरे लिए, तो मुझे बहुत मज़ा आया। और मेरे लिए क्या आप सबके लिए ऑफर ये कि मैं खैरुल्लाह अज़ीज़ भाई का कॉन्टैक्ट नंबर इस पकवान सेंटर का दे दूँगी, तो आप जो है उधर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ठीक है, मैं भी फूड रिव्यू देना चाहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त पुलाव था, हमने बीफ पुलाव खाया और एक्सपेक्टेशन वैसे ही हाई थी, काफ़ी टाइम बाद लाइक बहुत अरसे से हम वेट कर रहे थे कि हम आएँ और यहाँ की बिरयानी ट्राई करें, बिरयानी तो नहीं खाई लेकिन बिरयानी में मज़े की लग रही थी, बीफ पुलाव वाज अमेजिंग, आपको भी रेकमेंड करेंगे हम ज़रूर आइए। आप खैरुल्लाह अज़ीज़ भाई को तो ले आपके और इन दोनों के रेफरेंस से जो भी आएगा उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट। चले भाई मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल के रेफरेंस से जो भी खैरुल्लाह अज़ीज़ भाई के पास आएगा, अरे तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंजॉय करने वाली बात है क्योंकि आप लोगों को 20% तो स्पेशली स्ट्रेट अवे ऑफर ले।